हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू अपकमिंग डिस्कवर 125 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिस्कवर 125 आपको पहले भी इंडियन मार्केट में देखने को मिलती थी, और देखा जाए तो इसकी सेलिंग भी यहां पर काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया था। और ये बाइक आज भी कोलंबिया और पीरू जैसे देशों में सेल होती है, और देखा जाए तो इसकी सेलिंग भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। और इस बाइक का जो प्रोडक्शन है वो आज भी इंडिया में ही होता है, और अभी इंडिया में देखा जाए तो 125 सीसी सेगमेंट सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेगमेंट है, और सभी कंपनियाँ अभी अपनी 125 सीसी बाइक के ऊपर ही फोकस कर रही हैं। जैसे कि बजाज ने कुछ ही दिन पहले अभी अपनी NS125 को लॉन्च किया था, जिससे बजाज को अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। और डिस्कवर 125 भी आपको काफ़ी सारे अपडेट के साथ इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों को डिस्कवर 125 से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें। आई होप आपके जितने भी डाउट हैं वो यहाँ पर सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें आपको फ्रंट के साइड में फुल्ली LED हेडलैम्प और LED DRL देखने को मिलेंगी। रियर के साइड में आपको LED टेल लाइट देखने को मिलेगी, और जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एनालॉग में RPM मीटर और डिजिटल में आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, क्लॉक, साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर और भी कुछ बेसिक फीचर्स आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिलेंगे। और इसके टैंक पर आपको टैंक काउल और नीचे की साइड में आपको इंजन काउल भी देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको फ्रंट में 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में आपको 100 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो इसमें अब आपको काफ़ी अच्छे वाइड टायर्स भी देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क ब्रेक, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक प्लस ABS या फिर CBS। वैसे काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इसमें आपको ABS देखने को मिले, नहीं तो फिर आपको CBS तो देखने को मिलेगा ही। और इसमें आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व एयर कूल BS6 इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाला इंजन देखने को मिलेगा, जो कि जनरेट करेगा लगभग में 11 BHP के अप्रॉक्स पावर और 10.8 न्यूटन मीटर के अप्रॉक्स टॉर्क। तो इसमें आपको सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक पावर देखने को मिलेगी, और इसमें आपको 5-स्पीड का गेयरबॉक्स देखने को मिलेगा। और बात कर लें अगर इसकी प्राइस के बारे में, तो डिस्कवर 125 की एक्सरूम प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 70,000 रुपीज़ से लेकर 75,000 रुपीज़ अप्रॉक्स, अगर ये बाइक इस प्राइस में इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है। तो ये बाइक यहाँ पर इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन यहाँ पर रहेगी। और बात कर लें अगर इस बाइक की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट के बारे में, तो ये बाइक आपको अक्टूबर या फिर नवंबर तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ। जय हिंद।